हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारी ट्रिप शुरू होने वाली है, ये हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम इंट्रो ट्रिप के बीच में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम इंट्रो रिकॉर्ड करना भूल गए। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम इंट्रो कभी रिकॉर्ड करते हैं, पहले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सो बेसिकली हमारी बड़ी इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप बनी है, इतने महीनों की डिस्कशन के बाद एक ट्रिप बन गई है कि सुबह बोलो चलो रात को बैक पैक करो चलो, वो बन गया। ग्रुप का टाइटल भी हमने फाइनली टुनाइट रखा था। सो बेसिकली हम जा रहे हैं कालका एंड हिमाचल में, जो अभी हमारा एक्सपीरियंस रहता है वी गोना शेयर विद यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई, 2 महीने से एक पहाड़ों की ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसके लिए हमने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे सिर्फ फालतू की बातें होती है, इस टाइम चलते हैं उस टाइम चलते हैं, वो ट्रिप बन नहीं पाती। आज अभी कुछ घंटे पहले ही ये लोग बोल रहे हैं चलो निकलो, अभी रात को निकलो। ठीक है, कहाँ जाना है नहीं पता, सर्दियों के कपड़े पैक कर लो बस। ठीक है जी, अटैचियां मैंने ऊपर से निकाली जिसमें सर्दियों कपड़े ले आई है मैडम जी, हरप्रीत जी भी तैयारी करने। बता तो देते यार कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे खुद नहीं पता, रास्ते में देखेंगे तो रास्ते में देखेंगे कहाँ जाना है, लेकिन पहाड़ों पे जाना है तो जाना तो पहाड़ों पे ही है, पहाड़ों पे जाना है। ठीक है जी, तो लेट्स गो माउंटेन्स कॉलिंग। तो भाई अभी हमने गाड़ी रोकी है थोड़ा सामान सामून उठाने के लिए, मीन वाइल मैं अपनी गैंग से मिलवा दूं जरा, ये एक हरप्रीत नाम की लड़की है, इसको आप जानते हो। ओए बॉयज से हाय। सामान सामून लेके हम लोग बैठ गए हैं, अब आगे निकलने वाले हैं। इसको हमेशा आदत होती है परेशान करने की, पीछे से हाय हेलो, एक मिनट कुछ नहीं लेना देना। अभी पहले हमने कहाँ पहुँचना है, जनकपुर, जनकपुर जीरकपुर जीरकपुर जनकपुर क्या है, जनकपुरी जन इंडिया से ही गए हो आप तो, ऐसे क्या बोले 50 साल बाद इंडिया आए हो क्या, जनकपुर जानकी की नगरी, जनकपुर राजा जनक का शहर, रामायण देखी है, ये उसी की कहानी है, ये मेरे दिमाग में चलते है, तूने देखी। एक तो ये बंदी भाई मेरे को लग रहा है ना ये इंडिया से बिलोंग करती है ना इसको कुछ पता है। तो बात ये और थी कि हम लोग अभी जीरत है ना, जीरतपुर जा रहे हैं क्योंकि 2 लोगों का हमने और उठाना है, वो रहते हैं पंजाब साइड पे, तो वहाँ से उनको पिक करके उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे लोकेशन पे, बट जा कहाँ पे रहेंगे जाके बताएंगे। 12 बजे का टाइम बोला था निकलने का, निकले हम 3 बजे क्योंकि तो गैस की गोली ढूंढ रही थी ना, और 15 मिनट से पता नहीं अब कितना तेज स्किन केयर पैक करना शुरू करा, तब करा जब मैंने तुझे बोला तेरे घर के बाहर खड़े हैं। नहीं मेरा स्किन केयर पैक था, अरे क्यों मेरा मुंह खुलवाने पे तुम्ही हुई है यार हर बार की तरह। हेलो नायका वाले पाउच में पीछे पड़ा, झूठ मत बोलो। गाइस अमरीक सुखदेव आ गए, मुझे नहीं खाना वहाँ का, बस थोड़े स्नैक्स वोक्स लेने हैं वो ले लो, मेनू चाय पीनी थी। ओ मन्नू पाजी चाह तोड़ी नशे कर रहे हो, चाय के नशे तोड़ी चाय दा चक्कर ना असि, मैं ना अगली बार तो चाय पत्ती पैक करके लेनी, मैं सुन ही जाना पूरा। ये क्या बढ़िया बढ़िया गाने लगा रही है लड़की, I'm a good DJ। गाली देने वाला वो होता जो याद दिलाता है, अबे वो एक गालियां सूखी ना खाओ पानी पी लो, अबे वो बंदा सामने में, मैं कह रहा हूँ गालियां सूखी ना खाओ पानी पी लो थोड़ा। आप तो अभी सो के उठे हो, गले से तो उतरे पावर नैप लेके, बिल्कुल गांधी के बहुत बुरी हालात होने वाली आज। करे अलेक्सा दब आगे पाजी बच्चो यहाँ से एक फाटक नहीं खुल रहा है, तू ये क्या मतलब खाली टाइम मिला नहीं कि नौ बनाने शुरू कर दिए। नहीं मुझे ना वो नेल पेंट जेल नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिला, तो मेरे पास मैंने प्रेस ऑन्स बना के रखे हुए थे अपने, तो मैं वो ले आई, अब मैं वो चिपकाने वाली हूँ। ट्रेन आ रही है, एक और ट्रेन आ रही है, मैं कह रही थी ना तो मैं प्रेस ऑन्स लगाने लगी हूँ,
तो मैं प्रेस ऑन खुद बनाती हूँ, मैं सेल भी करती हूँ, मैं कनाडा जाने से पहले भी करती थी, मैं अभी भी कर रही हूँ। मैं इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगी, यू गाइस कैन ऑर्डर। अब ये जैसे 10 नेल्स है, मैं इनको मेजर करूंगी कौन सा वाला किस में आएगा। इंडियन रेलवे एट इट्स बेस्ट, साफ सुथरा ट्रैक जो सिर्फ वीडियो में दिख रही है। भाई लेके जा रहे हैं हमें, हम कैसे जाएंगे भाई, क्या रास्ता आ रहा है भाई। ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है, ड्राइविंग टेस्ट कोई बात नहीं। पहुंच गए हम लोग चौक पे भाई लोगों को उठाने। ओ भाई अगे जा रहे हैं, ना लेने भाई पे है अंदर अंदर देखो मैडम ने नो बांध रहे ने, मतलब बने ने चिपका रही है। अब हम लोग रुके हैं, मतलब हमने रात से बस डिनर किया था, उसके बाद अब हम लोग रुके हैं यहाँ पे हवेली में। गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है, हवेली आए हैं हम लोग। हमें यूटर्न ही थोड़ा सा मारना पड़ा, हेरिटेज हवेली। और सवेरे सवेरे प्रोग्राम बड़ा है, ब्रेड पकौड़े छोले भटूरे खाने का, KFC कोई नहीं जा रहा, बर्गर किंग कोई नहीं जा रहा। ये देख हरप्रीत अभी भी नींद में है, इसने खाने इसने ये मेरा भेजा खाएगी। अर्ली मॉर्निंग छोले भटूरे 5 प्लेटा, एक भटूरा साढ़े ना ही। तो जी ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म करके वापसी निकल रहे हैं। गाइस एक स्टॉप और आया है अपना, चलते हैं। मोमोज खाने बैठे हुए हैं सारे के सारे अभी। आहा ओए होए होए, क्या तोप है, क्या नजारे ने, वादियां ही वादियां, वादियां ही वादियां, मजा ही आ गया। और इतने ये लोग बैठ के मैगी शैगी मोमोज। रुजे भाई मैगी खा रहे हो? मोमोज खा रहे हैं भाई। कोई तो जो मैगी खाता है पहाड़ों में, ये होते हैं भाई। आपने खाता ये शुद्ध शब्द आप ही के मुख से निकल सकते हैं। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मैंने सुना है कि टेम्परेचर है कम है, मतलब कि मैंने रात को चेक किया था, इट वॉज 1 degree और मिनिमम वॉज -1, और आज का टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, मैक्सिमम इज 12 degree, मिनिमम इज 1 degree। तो इस टाइम तो 12 हुआ पड़ा है, दोपहर का टाइम है अभी, 2:20 हो रहे हैं और रात को 1 degree हो जाना है। जैकेट वैकेट भी लेकर आए हैं, तो ठंडा बढ़िया होने वाला है, मज़ा भी आएगा अच्छा खासा। आपको भी साथ में हम लोग भाई रहे हैं। तो भैया जी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो वैसे जी हिसाब से मैं तो पहली बार इस रास्ते से आ रहा हूँ, मैंने मोमोज खाए अंकल के, और अंकल से मोमोज हम ले रहे थे ना, सबने मेंशन करा कि अंकल की शक्ल किसी एक एक्टर से मिलती है। आप गेस करो, मैं नाम बताता हूँ उसके बाद, उसके बाद यहाँ पे पॉप कर देंगे कौन। कुमुद मिश्रा से भैया की दुकान है यहाँ पे, जहाँ पे हम बहुत अभी खा के हटे हैं। भैया एक बार लोकेशन बता दो जरा, कौन सी है, हमें नहीं याद, मेरे को नाम नहीं पता लोकेशन जगह का। जरी, ये जरी है, और ये रास्ता तोश को भी जाता है, कलका को भी जाता है, काफी जगह पे जाता है। फ्रूट कॉर्नर बोलते हैं, फ्रूट कॉर्नर। चलो बढ़िया खाना था, खा लिया, चले हम। तो भाई मोमो का खा के हम लोग निकल चुके हैं, अभी मुझे गाना गाने में लंबा शॉट नहीं ले पाऊंगा, बट आप सीधा हम लोग रुकेंगे डेस्टिनेशन पे, यानी कलका। लेट्स गो। तो जी थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी दोबारा रुक गई है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम कहीं खाने रुके हैं। अगर आपको दिख रहा होगा पीछे, वो मेरे को लग रहा है या तो लैंडलाइट है या तो गाड़ी आपस में अटकी है, मतलब ये निकालेंगे। ओ भाई ठंडा पानी पैरों में जो लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा ये पैरों में पानी। इंदर जी मुझे नज़ारा आ रहा नहीं आ रहा, मैं आपको नज़ारा तो दिखा दूँ, किसकी बात हो रही है भाई, नो वर्ड्स। कैमरा कहीं से भी ये ब्यूटी कैप्चर नहीं कर रहा, कहीं से भी, मतलब एक बार मैं चाहूंगा कि खुद आओ और ये ब्यूटी एक्सपीरियंस करो, मतलब अलग ही चीज है भाई। कहानी बता रहे हैं कि हम लोग खड़े क्यों हैं, ये हुआ है काम, ये नीचे चली गई है, ये इससे नहीं है, इससे नहीं है, नजर हटी दुर्घटना के थी। तो अब हुआ ये है कि उसका जो टायर फंस गया था ना, ये टायर जो अंदर फंस गया था, वो टायर तो निकाल दिया है उसकी हवा खाली करके, अब इसको टो करेंगे।
बस ये टो होगी, उसके बाद ट्रैफिक घटेगा। ट्रैफिक देख सकते हो कहाँ तक लग गया, इधर भी है उधर भी है। ये सिमरन जी कुछ बता रहे हैं, सिमरन जी बताना जरा हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या होता है। खीर गंगा का ट्रैक कलगा गांव से शुरू होता है। ये आगे सीढ़ियां जी जहाँ से हमें चढ़ के जाना है, अब गाड़ी यहीं कहीं पे पार्क कर देनी है बस। तो हम लोग बस अब चलना शुरू कर रहे हैं, ऐसे भी एक बैग पड़ा हुआ है। अभी अपना ढूंढ रहे हैं एक पोर्टर, पोर्टर से बात कर रहे हैं कि बैग लेके जानी है, और यहाँ से सीढ़ियां ऊपर को जाती है। हम लोग एक वाव कितनी अच्छी धूप आ रही है, हम पहुँच गए हैं अपने पॉइंट पे और इससे ऊपर गाड़ी नहीं जाएगी, तो अब हम ट्रैक करेंगे। कितनी देर की ट्रैकिंग है मनु? हाफ एन आवर, आधे घंटे की ट्रैकिंग। सबने जैकेट्स पहन लिए, शूज पहन लिए हैं, खराब जो करने हैं शूज, बैग्स वैग्स टांग लिए हैं, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रैकिंग। मैंने लाइफ में कभी ट्रैकिंग नहीं की, वेरी एक्साइटेड। हम अभी यहाँ से चढ़ के आए हैं इधर से। तो गाइस हम लोग कलगा गांव में आ गए हैं, आप नज़ारा देख सकते हैं, एक नंबर नज़ारा है। ट्रैकिंग भी बड़ी एक नंबर है, साथ में चढ़ना शुरू हो गया। अब बस हम जा रहे हैं, कोई सीढ़ियाँ नहीं है, हमें बस जाना है इनके साथ साथ। मैं जैसे पता लग रहा है कितने जो के रह गए, इन्हें सा चढ़ गया सानू। इसका तो भाई लड़की का अभी सर इतना सा ट्रैक चढ़े हैं, मतलब नीचे से इस पॉइंट से भी ट्रैक चढ़े हैं। इसका तो लड़की का इतना भी बुरा, ब्लैकआउट ही हो गया, तो लेट ही गई है बिल्कुल, कह रही ब्लैकआउट हो गया। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ ऊपर कैफ़े है वो दिख रहा है, बस वहाँ तक चल ले, पानी यानी पी लियो क्योंकि पानी हमने कैरी नहीं करा। ओले देखो भाई साहब, और बेस्ट पड़ी है, बारिश कम पड़ रही है, ओले ज़्यादा पड़ रहे हैं। ये देखना जरा मेरी जैकेट का हाल क्या करा इस लड़की ने, भाई राम। बट मैं आपको नज़ारे दिखाऊं, ये बढ़िया ट्रैक होता हुआ आ रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म ही हो गया। आंटियों को सल्यूट है भाई कि लगेज उठा के लेके जा रही हैं। और मैंने ये हुड लिया था कि मेरे को ओले यहाँ पे लगे ना, एक बैग मैंने भी उठाया हुआ है, और बढ़िया से चल फिर रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है। हुआ क्या था? हुआ ये था कि हमने सुबह 7 या 8 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ, उसके बाद थोड़े बहुत मोमोज खाए थे बस। हाँ, उसके बाद वो भी मैंने नहीं खाए थे, 2 चम्मच मैगी, क्रीम रोल, लंच ही नहीं, मतलब हम तो कह रहे थे खा ले। सर मैगी इज नॉट लंच। अबे तो खा तो ले, मैगी इज नॉट लंच, पेट में कुछ तो जाए। सो बेसिकली मैंने लंच नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे ब्लैकआउट फील हुआ थोड़ा सा, लाइक मैं बेहोश नहीं हुई, पर मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ कि मुझे उल्टी आने को फील हो रही है, एंड मन में जीरो एनर्जी हो गया। तो जो हमारे साथ आंटी जो बैग्स उठा रहे थे, वेरी नाइस, उन्होंने मेरा हाथ वाथ पकड़ा, पानी अरेंज किया जीजू वगैरह ने, और उन्होंने मेरे को खट्टी मीठी गोलियाँ दिखाने को, वो मैंने जब खानी शुरू करी ना, मेरे को उसी से फ़र्क दिख गया, एंड आई एम वेरी बेटर। तो इससे ये समझ आता है कि खाया करो यार, तो मुझे क्या पता था हमने लंच के लिए रुकना। द मेन पॉइंट इज खाया करो, जब मिल रहा है तब खाया करो। मैगी खाई थी मैंने बहुत सारी, अभी कह रही नहीं खाई थी। ये ट्रैक बड़ा ही यूनिक है अपने आप में, रास्ते आप देख पा रहे हो। मेरे को भी सही में वैसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा ट्रैक होगा। एंड टॉकिंग अबाउट द सीनिक व्यूज, दे एक्चुअली आर सीनिक। भाई जी हम लोग प्रॉपर्टी पे पहुंच गए हैं, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखा, नाम है इसका द फॉरेस्ट पार्क। पूरी प्रॉपर्टी दिखा दे एक बार मैं आपको, ये देखो बढ़िया एंट्री गेट, और आसपास का नज़ारा आप देख सकते हो। सारे मेरे सेब वाले पेड़ ही हैं शायद, जैसे वाइट वाइट फूल है, बहुत प्यारा नज़ारा है। अरे ये लड़की पहुँच गई, इतना बहुत है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता।